गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग नवीन, गुड मॉर्निंग आस्था, गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग आराधना। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएं। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह का टाइम है, हम सुबह सुबह मिल रहे हैं, लेकिन पेपर डिस्कशन तो आपको पता ही है सुबह के टाइम पे ही होता है। तो आज हम बायोलॉजी के डिस्कशन के लिए मिले हैं। बायोलॉजी का जो आपका पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो ऐसे बीच में कोई भी डाउट कैसा भी कुछ हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। साथ में अपनी एनसीईआरटी खोल के रखिए, जिससे आपको हर चीज एनसीईआरटी से मिलेगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन थोड़े से बाहर से होंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलेंगे। मोस्टली 90% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। तो आप एनसीईआरटी को खोल के रखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। देखो बच्चों, पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम क्लासेस में आपको 1/4 के चैप्टर एक बार में पढ़ा पाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1.5 घंटे के अंदर पूरी 11th 12th एक साथ डिस्कस कराते हैं एक साथ। तो उसके साथ अलग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपके डिस्कस हो जाते हैं। तो काफी मतलब के कंप्रेहेंसिव तरीके से, काफी कंप्रेहेंसिव कंडीशन से काफी इफेक्टिव रिवीजन आपका हो जाता है। तो इफेक्टिव रिवीजन करने का यही तरीका है कि पेपर करिए, उनको डिस्कस करिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं। आ गए सारे बच्चे, आ गए ये ग्रुप पे भी डाल दीजिए, टेलीग्राम लिंक पे भी डाल दीजिए, जिससे और बच्चे इस चीज का फायदा ले सकें, क्योंकि काफी इफेक्टिव क्लास होती है। टू वे कम्युनिकेशन रखिए बच्चों, दोनों में आप डाउट पूछिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भी आपसे क्लियर करूंगी। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है बच्चों, आपको देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। बताइए, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन अमोनिया मैथेन और वाटर। सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन अमोनिया मैथेन ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन स्टीम मैथेन अमोनिया। फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन मैथेन वाटर एंड निकल। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप क्या करके आए। ऑप्शन वन प्रतिभा एंड ऑल अदर स्टूडेंट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HCV। बच्चों मैं फिर पढ़ा दूंगी आपको, किसी दिन क्लास लेके इसको अच्छी तरह से समझा दूंगी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, कितने क्रोम जीन्स हमने डिस्क्राइब किए थे, कितने है, क्या क्या मतलब कि प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा। तो इसका 91 का ऑप्शन क्या होगा। देखो बच्चों, जब हमारे पर बिग बैंग थ्योरी आई थी, कैसे यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज कैसे बने, उसके अंदर स्टार्स कैसे बना, अपनी हेल्थ कैसे बनी, तो इसके अंदर आता है कि पहले हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, ऑक्सीजन बाद में आई है बच्चों। पहले क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है हीलियम गैसेस थी, मेन तो हाइड्रोजन और हीलियम थी। फिर वो कंडेंस होके क्या बनाया, उन्होंने गैलेक्सीज बनाई। गैलेक्सीज के अंदर क्या बना, हमारी अर्थ बनी। अर्थ के अंदर हमारा एटमॉस्फेयर तो था नहीं, तो उस टाइम क्या हुआ, हमारी जो स्टीम थी मतलब कि जो पानी की भाप थी, भाप पानी था, पानी की भाप के रूप में प्रेजेंट था, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि हर चीज भाप के रूप में प्रेजेंट थी, कुछ भी पानी के रूप में नहीं था, भाप भाप ही थी, स्टीम थी सारी की सारी। तो हाइड्रोजन हीलियम तो पहले से ही है, हाइड्रोजन स्टीम है ना। फिर वहां से मैथेन, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, मैथेन प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर मतलब कि हमारे ये H2 हो है, ये मतलब कि टूटा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो मतलब कि हमारे पास मैथेन अमोनिया के साथ काम करेगी, हाइड्रोजन ऊपर चली गई, ऑक्सीजन ने मैथेन एंड अमोनिया के साथ काम किया और क्या बनाया, CO2 बनाई, ऑक्सीजन बनाई, ऑक्सीजन से फिर आगे चल के ओजोन लेयर और बनी। तो मतलब ये है हमारे पास मेन थी हाइड्रोजन स्टीम और मतलब की जो जगह मैथेन एंड अमोनिया।
ऑक्सीजन नहीं थी, निकल तो भैया कहीं भी पड़ा ही नहीं है। मेन डिफरेंस आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन थी या नहीं थी। ऑक्सीजन पहले नहीं थी, बाद में आई है, बाद में ही ओजोन लेयर का निर्माण हुआ है, बाद में ही सारी चीजें हुई हैं। वाटर के हाइड्रोलाइसिस, जो वाटर की स्टीम थी उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ था, उससे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिली। फिर ऑक्सीजन ने और ज्यादा काम किया था मैथेन एंड अमोनिया पे। मैथेन अमोनिया में कहीं भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैथेन और अमोनिया ने फिर आया, उसके साथ काम किया, ऑक्सीजन के साथ मिलके काम किया और उससे और ज्यादा CO2 बनी। फिर आगे चल के जो हो जाएगा और ज्यादा ओजोन लेयर का निर्माण हो गया, यह आपको पता होगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम पहले वाले क्वेश्चन में? आपको बस ये जानना है कि ऑक्सीजन नहीं थी हमारे एटमोसफेयर में। देखो दूसरा है प्रोबेबल डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न मैन। आपको पता होगा कि कैसे बनाया हमारे पास। सबसे पहले क्या हुआ था? रामापिथेकस डायोपिथेकस थे। फिर उससे मतलब कि बाद में जो जगह रामापिथेकस ज्यादा मैन लाइक थे, डायोपिथेकस एप लाइक थे, उनमें हेयर्स वगैरह प्रेजेंट थे। फिर उनमें थोड़ा सा और ज्यादा मैन आ गए थे जो जगह जो मतलब कि उनके जो जगह क्या मिले थे। तो मतलब कि हमारे पास मैन का, फिर ओमो इरेक्टस आ गया था जो कि जावा से उनके क्या मिले थे, जावा से उनके वो मिले थे, क्या कहते हैं, फॉसिल्स मिले थे। तो हमारे पास डायरेक्ट तो ओमो इरेक्टस क्या हुआ, सीधे खड़े होके चलने लगे, सीधे खड़े होके चलने लगे, अपने पैरों पे चलने लगे होमो इरेक्टस। और ये भी मतलब कि नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, जो जगह मांस नहीं खाते हैं, ये जो जगह मीट वगैरह नहीं खाते हैं। तो हमारे पास जावा मैन को ही क्या बोलते हैं, पिकिंग मैन भी जावा मैन ही होता है। होमो इरेक्टस होते जावा मैन, पिकिंग मैन जो जगह। फिर आता है क्रोमैग्नन मैन। बच्चों इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी है ना, लगभग हमारे जैसी है, 1200 cc के समथिंग। नीदरलैंड मैन ज्यादा डेवलप्ड है, नीदरलैंड मैन में 1400 cc है जो जाएगा। तो डायरेक्ट जो एंसेस्टर है वो ज्यादातर क्रोमैग्नन मैन है। कौन सा है? क्रोमैग्नन मैन। इसी को होमो सेपियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमो सेपियन जो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि 92 का 3 जाएगा। बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 92 का 3। फिर आता है शेप ऑफ HbO2 डिसोसिएशन कर्व। आपको पता ही होगा हीमोग्लोबिन का, हम हीमोग्लोबिन से कैसे हम डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? परसेंटेज सैचुरेशन कितना है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ कितनी बाइंड हो रही है। और यहाँ पे निकालते हैं हम एक्स एक्सिस पे निकालते हैं कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। और यहाँ पे निकालते हैं सैचुरेशन, यहाँ पे निकालते हैं वाई एक्सिस पे सैचुरेशन, और यहाँ पे निकालते हैं हम कितना PaO2 है। तो ये कर्व आता है हमारे पास, कैसा आता है? सिग्मोइड कर्व आता है। आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन से एट द लेवल ऑफ द लंग के लेवल पर जुड़ती है। लंग के लेवल पर क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा होती है, CO2 कम होता है। CO2 कम है, देखो हमारे पास ऑक्सीजन को ज्यादा जुड़वाना है लंग्स के लेवल पे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन से जुड़ेगा, उस ऑक्सीजन को टिश्यू के लेवल पे जाके ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो मतलब ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ती है? लंग्स के लेवल पर जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ। रिलीज कहाँ होती है? टिश्यू के लेवल पे होती है। कहाँ होती है? टिश्यू के लेवल पे होती है, आपको पता होगा। तो हमारे पास जब जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होनी चाहिए, जब भी जुड़ेगी CO2 कम होनी चाहिए। और CO2 कम है तो मतलब कि CO2 कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सेल्स के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती है। तो मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन भी कम बनेंगे, टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से ही टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म से ही है ना H+ आयन बनते हैं। तो H+ आयन और हाइड्रोजन मतलब H+ आयन CO2 एंड टेम्परेचर दोनों तीनों कम होते हैं एट द लेवल ऑफ द लंग। और ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है क्योंकि एटमोसफेयर से ज्यादा ले लेते हैं हम ऑक्सीजन, तो इसलिए लंग्स के लेवल पे ये जुड़ती है और टिश्यू के लेवल पे ये रिलीज हो जाती है। टिश्यू के लेवल पे क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म की वजह से CO2 आ जाएगा, वहां पे H+ आ जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हट जाएगी और CO2 जुड़ेगा फिर वहां पे। तो ये डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो सिग्मोइड शेप का होता है। कैसा होता है? सिग्मोइड शेप का होगा। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसके बारे में और क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आपको पता है इसका रेगुलेशन कैसे होता है? पोन्स के अंदर होता है, मेडुला के अंदर होता है। पोन्स के अंदर क्या होता है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है जो कि इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करता है ना, और रेस्पिरेशन को फास्ट करवाता है, जल्दी जल्दी फास्टर करवाएगा। ऐसी ड्यूरेशन कौन करवा रहा है? जल्दी 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 कौन करवाता है? न्यूमोटेक्सिक ड्यूरेशन को कम करती है इंस्पिरेशन की। फिर आता है पोन्स के बाद आता है मेडुला। मेडुला में आता है एपनिस्टिक सेंटर होता है, एक कीमोटेक्सिक सेंटर होता है। एपनिस्टिक एंड कीमोटेक्सिक सेंटर जो जाएगा
ये न्यूमोटैक्सिस सेंटर था एब्नोस्टिक सेंटर को रेगुलेट करता है। केमोटैक्सिस सेंटर जो जगह CO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, CO2 के कंसंट्रेशन पे ज्यादा डिपेंड करता है। ओके थोड़ा स्लो। तो बच्चों ये HbO2 डिसोसिएशन कर्व आपको पता होगा सिग्मोइड शेप का होता है, आपने पढ़ा है NCERT में दिया हुआ है सिग्मोइड शेप का। आपको पता है ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ द लंग, लंग के लेवल पे ऑक्सीजन जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ती है लंग के लेवल पे, और छूटती कहाँ पे है, रिलीज कहाँ होती है टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और वो टिश्यू में चली जाती है। तो जुड़ी कहाँ लंग के लेवल पे और रिलीज कहाँ हुई टिश्यू के लेवल पे। अब बच्चों जुड़ने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, जुड़ेगी जब जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी दूसरी चीजें कम होंगी, जैसे CO2 कम होगी, CO2 कम होगी H+ आयन कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, ये सारी कंडीशन उसको मिलती है लंग्स के लेवल पे। जबकि टिश्यू के लेवल पे क्या हो जाता है ये सारी चीजें ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि टिश्यू से मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से वहां पे CO2 ज्यादा होती है ना, टेम्परेचर ज्यादा होता है, H+ आयन ज्यादा होती है। H+ आयन मतलब कि एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम पे क्या होता है बच्चों हमारा जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो सिग्मोइड शेप का आता है, और इसकी बाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, बाई एक्सिस पे होता है बच्चों जो परसेंटेज सैचुरेशन कितना है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, कि 90% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये परसेंटेज सैचुरेशन आता है बाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना है। अब बताइए लंग्स के लेवल पे बच्चों किधर की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड में, लंग्स के लेवल पे कर्व किधर की तरफ शिफ्ट होगा, लंग लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। बच्चों लंग्स के लेवल पे क्या है हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो मतलब कि जल्दी से जल्दी जुड़ेगी, फास्ट जुड़ेगी, जल्दी से जल्दी जुड़ेगी, तो मतलब कि कम प्रेशर पे ही ज्यादा जुड़ जाती है, कम प्रेशर पे ज्यादा जुड़ जाएगी तो लेफ्ट साइड में होगी। L for lungs, L for left, तो लेफ्ट साइड में होता है लंग्स के लेवल पे, और राइट साइड में हो सकता है हमारा टिश्यू के लेवल पे, ऐसे याद रखना है L for lungs, लेफ्ट साइड पे जो होती है वो कब हो सकता है जब लंग्स के लेवल पे होता है, और टिश्यू के लेवल पे राइट साइड में सकता है। ये आपको ट्रांसफर होने की इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइड में कब जाता है और राइट साइड में कब जाता है, अगर ओनली लंग्स के लेवल पर हो रहा होगा तो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कब होगा जब टिश्यू के लेवल पर हो रहा होगा। अब समझ में आया इसमें बच्चों, और ये इसी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या होता है रेस्पिरेशन के, मतलब कि कंट्रोल न्यूरल कंट्रोल के ऊपर बन सकता है। न्यूरल कंट्रोल बच्चों आपको पता ही है दो सेंटर होते हैं हमारे पास, एक तो पोन्स एंड मेडुला, ब्रेन स्टेम में पोन्स होता है मेडुला होता है, पोन्स एंड मेडुला। पोन्स के बारे में आपको पता होगा बच्चों कि पोन्स में क्या होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, कौन सा सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है बच्चों रेस्पिरेशन को जो फास्ट कर पाता है, मतलब कि इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देगा, मतलब कि जल्दी जल्दी सी ना इंस्पिरेशन होगा ऐसे बिल्कुल फास्ट होगा, ज्यादा एयर नहीं पहुंच पाएगी, फास्ट होगा और स्लो मतलब कि सैलो होगा, सैलो ब्रीथिंग होती है एंड फास्ट होती है ड्यू टू न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द पोन्स। पोन्स के लेवल पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, उसने इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दिया, मतलब कि इंस्पिरेशन को फास्ट कराया, ये आपको पता चला। दूसरा सेंटर होता है मेडुला में, मेडुला में होता है एपनिस्टिक सेंटर होता है। एपनिस्टिक सेंटर किसके कंट्रोल में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के कंट्रोल में होता है। दूसरा मेडुला में एक और सेंटर होता है कीमोटैक्सिक सेंटर, क्या होता है कीमोटैक्सिक सेंटर होता है ना, आपको पता है कीमोटैक्सिक सेंटर मेडुला के लेवल पे होता है। आपको ये याद होना चाहिए कीमोटैक्सिक सेंटर इज मोर सेंसिटिव टू CO2 कंसंट्रेशन देन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। CO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है बच्चों, CO2 के लिए जैसे ही आपकी बॉडी में CO2 ज्यादा हुआ
एक कंडीशन होती है CO2 नार्कोसिस, जिसमें आपकी बॉडी में CO2 ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा CO2 ज्यादा होती है, तो ये कीमोटैक्सिस सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है और आपके क्या करता है, इंस्पिरेशन को जो जाएगा फास्ट करवाता है, जिससे CO2 को बाहर निकाला जा सके, तो कीमोटैक्सिस सेंटर जो होता है वो CO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है देन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के, ये आपको रखता है, याद रखना है, ठीक है बच्चों। 90 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 94 क्वेश्चन है कि हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय द लंग। देखो इसको या तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, या इसको निकाल भी सकते हैं। देखो डायरेक्ट तो आपको पता ही है 200 ml पर मिनट, कितना रिलीज होता है पर मिनट, देख रहे हैं बच्चों पर डे नहीं है, पर मिनट है, पर मिनट कितना होता है 200 ml। देखो और कैसे, अगर आपको याद नहीं रहता है तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपके पास 70 स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, होता है आपके पास 5 लीटर, कितना होता है 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, एक मिनट में कितना मतलब कि ब्लड रिलीज करता है हार्ट, एक मिनट में 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड रिलीज करता है एक मिनट के अंदर हार्ट, ये होता है हमारा कार्डियक आउटपुट। अब ये 5 लीटर ही लंग्स के पास जाएगा, क्योंकि पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारे पास राइट हार्ट जो है वो वापस किसके पास भेजता है, हमारा लंग्स के पास। तो एक मिनट में 5 लीटर लंग्स ही, 5 लीटर ब्लड ही लंग्स के पास पहुंचेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो 1 लीटर पहुंचेगा, सॉरी 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा 5 लीटर पहुंचता है। अब देखो आपको पता होगा 100 ml ब्लड जो होता है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ द CO2 को बाहर निकालता है, कितना निकालता है 100 ml 4 ml को रिलीज करता है, तो 5 लीटर कितने को रिलीज करेगा, 5 लीटर कितने को रिलीज करेगा पर मिनट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 लीटर ही पर मिनट पहुंचेगा, तो इससे आंसर आता है 200 ml पर मिनट। आपको इसमें कोई 94 या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, या नहीं याद होता है किसी भी तरीके से, किसी को नहीं याद होता तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, 200 ml पर मिनट निकल भी सकता है कि देखो लंग्स के बाद एक मिनट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कार्डियक आउटपुट के बराबर ही पहुंचेगा। कार्डियक आउटपुट होता है बच्चों हमारा 5 लीटर, तो 5 लीटर ब्लड ही हमारे पास लंग्स के पास पहुंचा। और आपको ये याद रखना, ये वाली लाइन याद रखना जरूरी है कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 4 ml CO2 को बाहर निकालता है, कितना निकालता है 4 ml, 100 ml 4 को निकालेगा, तो 5000 ml कितने को निकालेगा, 200 ml को निकालेगा, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है बच्चों को। अब 95 देखिए, कोकोनट वाटर की बात कर रहे हैं। अब बताइए बच्चों कोकोनट वाटर कौन से टाइप का फ्रूट होता है, आपको एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दे रखे कोकोनट एंड मैंगो का, दोनों टाइप के फ्रूट कौन सा बता रहा है, ड्रूप टाइप का फ्रूट बता रखा है, कौन सा है, ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है कोकोनट एंड मैंगो। अब देखो ये सीड है, सीड के चारों तरफ क्या होती है, पेरिकार्प होती है, ये पेरिकार्प किसमें डिफरेंशिएट हो जाती है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। अब मैंगो के अंदर बात कर लेते हैं, हाँ पूछिए गरिमा पूछिए, देखो जब तक मैं, हाँ देखो एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, देखो आम खाते मैंगो जब खाते हैं तो आपको ऊपर से पीले पीले कलर की लेयर होती है, वो क्या होती है एपिकार्प, बीच में जो गूदा खाते हैं फ्लैशी मैटर खाते हैं वो क्या होती है मीजोकार्प, और एंडोकार्प जो गुठली निकलती है वो क्या है एंडोकार्प, एंडोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया मैंगो की बात, मैंगो एंड कोकोनट एक साथ समझाया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम एक साथ ही पढ़ते हैं दोनों के फ्रूट कौन सा है, ड्रूप टाइप का फ्रूट है, कौन सा टाइप का फ्रूट है, ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है। हाँ करीमा पूछिए कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको, है ना। दूसरा आता है हमारे पास जो जगह कोकोनट, कोकोनट में क्या होता है, आप नारियल को तोड़ा, नारियल को तोड़ते हैं सबसे पहले हरा कलर का नारियल आता है, कैसा आता है हरा, हरा नारियल आता है, उसके अंदर क्या होता है,
उसको सुखाते हैं, जो जो पूजा में चढ़ाते वो वाला नारियल निकलता है जिसमें रेशे प्रेजेंट होते हैं। तो आपको समझना होगा जो बाहर की सेल है, जो इतनी मोटी सी लेयर है, ग्रीन कलर की जो लेयर है, वो क्या है बच्चों? आपकी एपिकार्ड, एपिकार्ड। फिर उसके अंदर जो रेशे निकलते हैं वो क्या है? मीजोकार्ड। और जो शेल निकल रहा है, लकड़ी जैसा जो निकल रहा है, वो क्या है आपका? एंडोकार्ड। एपिकार्ड, मीजोकार्ड, एंडोकार्ड होता है। और फिर उसके अंदर सबसे अंदर जो होता है एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सीड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो टाइप का होता है, एक तो व्हाइट कलर का शेल होता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बात है। हम सेलुलर एंड जो ये होता है इसका, इसकी बात कर रहे हैं। कोकोनट, कोकोनट के अंदर एक तो पानी पीते हैं, एक व्हाइट कलर का हम निकाल के खाते हैं। तो पानी जो होता है उसके अंदर ओनली न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कुछ सेल वॉल वगैरह नहीं बनी है। सेल वॉल नहीं बनी है, ओनली न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द पानी, जो कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जबकि जो व्हाइट कलर का होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, मतलब कि उसके अंदर सेल पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, सेल वॉल डेवलप हो चुकी है, तो सब कुछ डेवलप हो चुका है, वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म। और बाहर की तरफ जो लकड़ी का शेल होता है वो एंडोस्पर्म है, उससे जो रेशे निकल रहा है वो मीजोकार्प। और सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का होता है वो क्या होता है? एपिकार्प होता है। हम सेलुलर एंड न्यूक्लियर जो जाएगा, सही बात है कि सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म खाते हैं, न्यूक्लियर को पीते हैं और सेलुलर को खाते हैं, न्यूक्लियर को पीते हैं सेलुलर को खाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट? इन्हें दोनों एक साथ ही पढ़ना है आपको, मैंगो एंड कोकोनट वाटर एक साथ ही पढ़ना चाहिए आपको, जब ये आपको ये याद होगा। अब बच्चों 96 क्वेश्चन, 96 किसके पूछे पाता है? एनेमोफिली। एनेमोफिली क्या होता है? जो वायु परागण क्या होता है, जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम एनेमोफिली बोलते हैं। एनेमोफिली में बताओ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा, तो ये क्या कैसा है बच्चों? एबायोटिक। कैसा है? एबायोटिक। एबायोटिक में मोस्ट कॉमन होता है। एबायोटिक है, एबायोटिक कैसा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप का होता है एबायोटिक में। आपको पता होगा एबायोटिक क्या होता है? सबसे ज्यादा एबायोटिक, एबायोटिक जो होता है बच्चों, है ना, वो जो सॉरी मतलब कि जो एयर के थ्रू होता है वो एबायोटिक है। एबायोटिक है मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। घास वगैरह में कोई मतलब कि घासें जो होती हैं उसमें एयर पॉलिनेशन ही होता है। कौन सा होता है? एयर पॉलिनेशन ही होता है। कोई मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मधुमक्खी वगैरह कोई काम नहीं करती, मेन है एयर के थ्रू होता है। बिल्कुल सही बात है। विंड पॉलिनेशन इज द क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। बिल्कुल सही बात है। द मोर कॉमन अमाउंट एबायोटिक पॉलिनेशन, एबायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन होता ही है ये, है ना। विंड पॉपुले, देखो अब एयर के थ्रू हमारा मतलब कि जो वो है वो तू मतलब कि उड़ के जाना है, तो उसको खुला हुआ होना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, खुले हुए होने चाहिए। तो ये वेल एक्सपोज्ड होते हैं। क्या होता है? वेल एक्सपोज्ड स्टैगमन होना चाहिए। और मतलब कि जो जिसपे आके गिर रहे हैं, वो भी कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होनी चाहिए। जो लेके जा रहा है, जहां से लेके जा रहा है और जहां से लेके आ रहा है, दोनों वेल एक्सपोज्ड होनी चाहिए, जब भी एयर के थ्रू पहुंच पाएगी। बिल्कुल सही है। फ्लावर ऑप्टन एवं मतलब कि मेनी ओबुलेंटा ईच ओवरी, नहीं नहीं जो जगह ये नहीं है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ज्यादा ये नहीं होता है। ओबुल्स जो होती हैं वो एक आध दो ही होती हैं। अब बात करते हैं 97 में क्या किया? एक साइंटिस्ट था स्टडिंग एन ऑर्गेनिज्म, आफ्टर स्टडिंग ही फाउंड दैट द एनिमल हैज ए कैरिंग कैपिटी।
कैविटी की बात करता है विच इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ब्लास्टोसील. ब्लास्टोसील से डेवलप हुई है बच्चों ये, है ना. द कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल एंड गट. जो जगह देखो हमारे पास ब्लास्टोसील से जो मतलब की कैविटी डेवलप होती है उनको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट. क्या होता है स्यूडोसीलोमेट? क्योंकि ब्लास्टोसील क्या होते हैं? मीजोडर्म. मीजोडर्म बीच बीच में मीजोडर्मल पाउच होते हैं, वो स्यूडोसीलोमेट होते हैं. पूरी तरफ से कैविटी क्या होगी? एक ट्रू सीलोम का मतलब होता है इधर भी मीजोडर्म इधर भी मीजोडर्म, दोनों तरफ मीजोडर्म होनी चाहिए, उसे ट्रू सीलोम बोलते हैं. लेकिन ब्लास्टोसील में क्या होता है? पाउचेस बनते हैं मीजोडर्म के, मीजोडर्म के पाउचेस बनते हैं, तो स्यूडोसीलोम बनती है. क्या बनती है? स्यूडोसीलोम. अब स्यूडोसीलोम आपको पता होगा बच्चों किसमें होती है हमारे पास? एस के एलमंटीज में. सॉरी देखो प्लेनेरिया एंड फेशियोलेपेटिका दोनों है प्लेटी हेलमंटीज. क्या है? प्लेटी हेलमंटीज. जो जाएगा प्लेटी हेलमंटीज है तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? प्लेटी हेलमंटीज है तो ये होता है ए सीलोम. इनके अंदर सीलोमी नहीं होती, इनसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म में सीलोमी नहीं होती. इसके प्लेटी हेलमंटीज है प्लेनेरिया एंड फेशियोलेपेटिका, इनके अंदर सीलोम नहीं होती. अब बच्चों प्लेनेरिया के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें हाई डिफरेंशिएशन पावर होती है. अब बहुत जल्दी डिफरेंशिएट करता है, बहुत ज्यादा माइटोसिस मियोसिस करता है इसमें जो जाएगा. तो प्लेनेरिया जो होता है प्लेटी हेलमंटीज है, फेशियोलेपेटिका जो लिवर फ्लू करवाता है. फेशियोलेपेटिका नाम से ही समझ में आ रहा है, एपेटिका मतलब कि लिवर फ्लू करवाएगा, लिवर फ्लू करवाता है ना. ये क्या करवाता है हमारे पास? फेशियोलेपेटिका एंड प्लेनेरिया वो था प्लेटी हेलमंटीज. तो ये मतलब कि ए सिलोमेट होते हैं, इनके अंदर सिलोमी नहीं होती. एस्केरिस इसका एस्के हेलमंटीज, इनके अंदर स्यूडो सिलोमेट होता है. और नीरिज इसका एनिलिडा. एनिलिडा में क्या होता है बच्चों? ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है. अब नीरिज के ऊपर इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये क्या होता है? ओनली बटर में प्रेजेंट होता है, पानी में प्रेजेंट होता है. और इनके स्यूडोपोड प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? स्यूडोपोड. तो 97 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया है रानू ने, बिल्कुल सही आंसर है संजना. सागर मिश्रा बिल्कुल सही आंसर है. बस ये प्लेटी हेलमंटीज है, ये एस्के हेलमंटीज है, ये एनिलिडा है. एनिलिडा से आगे सब में ट्रू सिलोम हो जाती है. एस्के डिश में स्यूडो सिलोम है और प्लेटी हेलमंटीज में तो सिलोम होती ही नहीं है. अब 98 देखो करेक्ट मैच मिलाना है. बॉडी इज डिवाइडेड इन द हेड एंड टंग. देखो टोट किसका है? एम्फीबियन का. एम्फीबियन में हेड एंड ट्रंक में ही डिवाइड होती है मेनली बॉडी जो होती है ना. जैसे एम्फीबियन वगैरह जो होते हैं फ्रॉग वगैरह हेड एंड ट्रंक में ही डिवाइड होती है. दूसरा आता है हर्ट इज फोर चैम्बर्ड क्रोकोटाइल. क्रोकोटाइल क्या है? रेप्टाइल है. तो इसके अंदर फोर चैम्बर होता है, फोर चैप्टर होता है. क्रिपिंग एंड क्रॉलिंग जो होती है वो किसकी होती है? रेप्टाइल्स की होती है. तो लिजार्ड भी एक रेप्टाइल है, तो उसमें क्या होता है? क्रिपिंग क्रॉलिंग मूवमेंट हो रही है ना. हेड इज फोर चैम्बर क्रोकोटाइल के अंदर होता है, ये तो याद रखना ही है. मेन बॉडी हेड एंड ट्रंक के अंदर डिवाइड होता है एम्फीबियन की. तो टोड भी एक एम्फीबियन है. तो इसमें भी 98 का फोर आंसर जाएगा, 98 का डी बिल्कुल सही आंसर है. इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल भी. अब देखो वेट बियरिंग कौन कौन सा है? वेट बियरिंग, वेट बियरिंग देखो लैंग कौन सी होती है? ह्यूमरस तो ऊपर आ जाती है, टीबिया नीचे आती है, अन्ना इधर आती है. मेन बोन जो जो सबसे मोटी सबसे ज्यादा बड़ी बोन जो है, लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, वो कौन सी होती है बच्चों? फीमर. और कहाँ की होती है? वो लेग में प्रेजेंट होती है, आपकी थाई में प्रेजेंट होती है. तो लॉन्ग बोन ऑफ द लेग फीमर. फीमर इसका मतलब की आपकी सबसे ज्यादा वेट बियरिंग बोन होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है. ठीक है आपको अब बताइए मैमल्स आधा हाइड्रोजन आर सिक्रेटेड बाय द ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम द. आपको ये तो याद ही रखना है थीका इंटरना के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? थीका इंटरना. देखो जेनुला जोना पेलुसिटा बिल्कुल भी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता. कोरोनरी रेडिएटा बाहर की तरफ निकले रहते, इनसे कुछ नहीं होता. जोना रेडिएटा अलग है, कोरोना रेडिएटा अलग होते हैं. थीका एस्टरना जो होती है ये क्या प्रोड्यूस करेगी? टीका इंटरना प्रोड्यूस करती है, टीका इंटरना नहीं, टीका एक्सटर्ना नहीं करती, टीका एक्सटर्ना नहीं करती, टीका इंटरना प्रोड्यूस करती है. नाइनटी नाइन का
हंड्रेड देखिए बच्चों, अभी हंड्रेड सॉल्व हो रहा है, हंड्रेड का आंसर दीजिए। हंड्रेड में थी का एंटर ना होती है बच्चों। ठीक है, गुड मॉर्निंग अर्पित। हम बात करते हैं लाइफ कैन नॉट, देखो बच्चों अगर ऑक्सीजन आ गई होती, इसमें साफ साफ याद रखना है कि देखो लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल अब द प्रेजेंट। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल से हमारा क्यों नहीं लाइफ जनरेट हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? एक तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसका कोई रोल नहीं है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का ज्यादा रोल नहीं है। वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, ऑक्सीजन है यही मेन कारण है बच्चों। देखो प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, अब में ही साइकिल चलता जा रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म का जन्म होता नहीं, चीजें बनती, फिर प्लांट बनते इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब तो ऑक्सीजन है, ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो अब बनाने की क्या जरूरत है? हाई टेम्परेचर तो चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर तो चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर तो चाहिए होता है। एब्सेंस ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो अभी भी हमारे पास है, लेकिन ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए हमको जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए हमारे पास नई चीजें नहीं बन रही है। ऑक्सीजन ठीक है बच्चों, वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ नो कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब बताइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 102, क्योंकि ये ज्यादा दे नहीं रखा है आपको। जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने दिया था, ये आपको रट लेना है, अगर याद रखना चाहो तो डोबजेंस्की ने दिया था। इसने क्या बताया था कि इसने बताया था कि कैसे मतलब कि इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन के बारे में इसने बताया था कि कैसे मतलब कि हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज बनती है, कैसे अलग अलग स्पीसीज जन्म होती है। तो इसने बिल्कुल मतलब कि ज्यादा नहीं करना है इसका, बस याद कर लो इसका 102 को याद कर लो कि जेनेटिक एंड द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने दी थी, डोबजेंस्की ने दी थी। अब देखो ए पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड इंस्टेंटली, मर गया है और ब्रेन को कोई इंजरी नहीं हुई है लेकिन मर गया भैया वो, है ना। ब्रेन स्टोमक किडनी वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो अगर स्टोमक में कोई इंजरी होगी तो मरेगा क्या? आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप मरते थोड़ी ना हो, प्रॉब्लम होती है लेकिन मरते थोड़ी ना हो। किडनी, किडनी के काफी लोगों की किडनी बिल्कुल हट जाती है, एक किडनी से सर्वाइव कर लेते हैं काफी लोग, मतलब की किडनी से बाद में मर सकते हैं अगर किडनी, लेकिन मेन है आपके जो जगह। देखो इंटेस्टाइन कैट ट्विस्टेड, इंटेस्टाइन ट्विस्ट होने की वजह से आपको है ना कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाएगा लेकिन मरोगे नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा। आरबीसी बिकम कॉकुलेटेड, अगर आरबीसी बिकम कॉकुलेटेड हो रही है तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा। अगर थ्रोम्बस आपके वेसल्स में चला जाता है तो अगर थ्रोम्बस चला गया जब मर सकते हैं, वरना आरबीसी कॉकुलेट होने से ओनली उससे निपटेंगे। एम्बोलस फॉर्मेशन होना चाहिए, फिर स्टोमक स्टॉप डाइजेशन, डाइजेशन रोक देता होगा तो भैया एक आध दिन में थोड़ी ना मरोगे, इंस्टेंटली नहीं मरोगे इसमें। डायफ्राम कैट पंक्चर, अगर डायफ्राम पंक्चर हो गया तो इसमें इंस्टेंटली मर जाओगे। डायफ्राम क्यों, क्योंकि भैया डायफ्राम में ओपनिंग होती है, डायफ्राम आपकी इंस्पिरेशन में मदद करता है, एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, डायफ्राम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। डायफ्राम में आपके ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है जिसमें से सारी मेजर वेसल अरोटा वगैरह इसमें से ही होके जाता है, अरोटा आईबीसी वगैरह, ये पंक्चर हो जाएगी, वेसल रप्चर हो जाएगी तो भैया मर ही जाओगे। एडमिशन पॉसिबल है क्या? देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है बच्चों, ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ओरिजिनल लगते हैं आपके, क्या होते हैं ओरिजिनल ही लगते हैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका जो मूल निवास है वो ओरिजिनल लगता है ना, 10th 12th की मार्कशीट ये कॉलेज में जमा हो जाती है, और ये जब आपको 5 साल के बाद आपको डिग्री मिलती है ना, जब आपको कॉलेज से आईसीसी मिलती है, इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जब मिलता है उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कॉलेज से, तो डॉक्यूमेंट्स में ये वापस आती है, 5 साल के बाद वापस आएंगी, पहले ये ओरिजिनली जमा होते हैं बच्चों। जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स देने जाओगे आप
काउंसलिंग के टाइम पे हेल्प नहीं करेगा, लेकिन कॉलेज जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट देने जाएंगे जब जरूरत होगी। लेकिन मतलब कॉलेज वाले आपको टाइम देते हैं कि आप लेके आ सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज वाले आपको टाइम देते थे और कॉलेज में आप बात करके बात भी कर सकते हैं कॉलेज में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 104। एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, अंदर की तरफ क्या होना चाहिए, हाई पोटेशियम, मतलब कि हमें क्या चाहिए, अंदर हाई पोटेशियम, बाहर सोडियम ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होते हैं। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन तो हमें पता है इम्परमिएबल होती है, क्या होता है बच्चों, इम्परमिएबल होती है। स्कूल से बच्चों दोबारा मिल सकता है, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपके घर के पास स्कूल है आपको मिल जाएगा, डुप्लीकेट मिल जाता है बच्चों को, काम आ जाएगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर कैसे आंसर है बच्चों, फोर कैसे आंसर होगा इसका आप बताइए अभिषेक, फोर नहीं है, ऑप्शन टू इसका आंसर। क्लोराइड सोडियम कब से ज्यादा होने लग गया अंदर, सोडियम तो बच्चों बाहर ज्यादा होता है, बाहर सोडियम ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर जाता है, थोड़ा सा क्लोराइड भी ज्यादा होता है लेकिन सोडियम ज्यादा नहीं है बच्चों, सोडियम नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, आपको बताइए क्या प्रेजेंट होता है इसमें, स्पोरोपोलिनियम प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलिनियम आपको पता है क्या करवाता है इनको, मतलब कोई भी एसिड इन पे काम नहीं कर पाता, ये जल्दी से जल्दी मतलब बहुत साल तक ये क्या रहता है, प्रिजर्व रहते हैं। स्पोरोपोलिनियम हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, ये आपको पता होगा, स्पोरोपोलिनियम के बारे में आपने पढ़ा है, स्पोरोपोलिनियम के बारे में तो आपको पता है बच्चों, ये हार्डेस्ट मटेरियल है ये अर्थ पे, ये जल्दी से जल्दी कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, कोई एसिड किसी भी टेम्परेचर वगैरह ये जल्दी से जल्दी सी ना नहीं जाता, स्पोरोपोलिनियम, ऑप्शन बी सही आंसर है बिल्कुल बच्चों, स्पोरोपोलिनियम। फिर आ रहा है माइक्रोपाइल, देखो बच्चों एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है माइक्रोपाइल का, हाइलम के जस्ट ऊपर क्या होता है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल आपको पता ही है क्या करवाता है, मेल के सॉरी पोलन ठीक है बच्चों 106 देखिए, हाँ बिल्कुल पोलन ट्यूब की एंट्री करवाता है माइक्रोपाइल जो होती है, मीजान द्वार जो बीच के अंदर, कोई भी टाइप हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों, टेलीग्राम पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे आपके ग्रुप पे काफी एक्टिव हूँ, आपकी सारी चैट देखते हैं हम लोग, आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर नंबर चाहिए तो बच्चों मेरा 9672009958, कोई भी डाउट हो कैसा भी हो बच्चों पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है बच्चों।
देखो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो सुडोपोड, सुडोपोड किसमें होते हैं? अमीबा में। फ्लैजिला किसके अंदर होते हैं? ट्रिपनोसोमा में। सीलिएटेड पैरामीशियम, बचा कौन था? सीलिएट, तो तीनों गलत हो गए, तो इस करो जो पेविसिया में। माइक्रो, बच्चों ये माइक्रोबाइल वाला क्वेश्चन है ना, माइक्रोबाइल वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। बीजन द्वार जो होता है वो पानी और उसके, पानी और एयर के एंट्री करवाता है सीट के अंदर। सीट के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री जो एयर सैक होता है, जो मतलब कि उसके अंदर जो होता है फिलिपो मेप्रेटस करवाता है पोलन ट्यूब की एंट्री। तो बच्चों इसमें आंसर जाएगा 106 का 2, 1 नहीं आंसर होगा बच्चों। मेरे से थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गए। पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब की एंट्री करवाता है फिलिपोम एपरेटस, फिलिपोम एपरेटस होता है। और माइक्रोपाइल के एंट्री, माइक्रोपाइल जो होता है वो बाटर और एयर की एंट्री करवाता है। क्या करवाता है बच्चों? बाटर और एयर की एंट्री करवाता है, आपको याद रखना है। समझ में आया 106? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, आप दोनों याद रखिए इसको। 106 को देखिए बच्चों, 106 को दोनों तरीके से पढ़िए। माइक्रोपाइल तो एंट्री करवाता है भैया बीज के अंदर है, बीज के अंदर है तो पानी और एयर के एंट्री करवाता है। जबकि जो मतलब कि सीट के अंदर जो ओव्यूल के अंदर होता है उसके अंदर क्या होता है? फिलिपम एपरेटस होता है। फिलिपम एपरेटस जो होती है वो क्या करवाता है? पोलन ट्यूब की एंट्री करवाता है। क्या करवाता है? पोलन ट्यूब की एंट्री करवाता है। 106 अब क्लियर हो गया बच्चों। 107 बिल्कुल सही आंसर है, इसको जो आप पेविसिया। आप पहले दूसरे और चौथे को गलत कर दीजिए, तीसरा अपने आप सही हो जाता है। सूडोपोड हमेशा अमीबा में बनते हैं, अमीबा में, बाद में आपको दे रखा है अमीबॉइड, अमीबा में। फिर आता है फ्लैजिला, फ्लैजिला किस में बनते हैं? ट्रिपनोसोमा में, एनसेटी में दे रखा है। सीलिएटेड पैरामीशियम में, बता कौन था? स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम में बनते हैं और स्पोरो बेबिसिया में भी बनते हैं। किसमें बनते हैं? प्लाज्मोडियम एंड बेबिसिया, स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोआ। ठीक है बच्चों, अब देखिए मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट ओनली मेमल्स, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड ओनली मेमल्स में होती है। मेमरी ग्लैंड और स्किन हेयर्स जो होते हैं वो ओनली किसमें? हेयर्स, हेयर्स जो है वो ओनली मेमल्स में प्रेजेंट होगी। बाकी सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती है, जैसे वार्म ब्लड है, वार्म ब्लड एबीज वाले भी होते हैं। पक्षी भी कैसे होते हैं? बर्ड्स भी कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा कैसे होती है? चार पैरों वाले, ये सारे होते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एबीज और हम लोग मेमल्स, सारे के सारे टेट्रापोडा है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों एस्के हेलमेंथिस से प्रेजेंट है। प्लेटी हेलमेंथिस में मतलब कि जो है वो एक ही कैविटी है, एस्के हेलमेंथिस से ही हमारे पास जो जगह कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है। समझ में आया? तो एस्के हेलमेंथिस जो होती है मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट ओनली इन मेमल्स, मेमल्स के अंदर अगर कोई पूछे तो मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड स्किन में हेयर्स और जो मतलब की तीन ईयर ऑसिकल्स होती हैं, ईयर ऑसिकल वो ओनली मेमल्स के अंदर होती है, बाकी किसी के अंदर नहीं होती बच्चों। बार्न ब्लडेड एविज भी होती है, टेट्रापोडा सारे हैं, एम्फीबियन से लेके रेप्टाइल्स, एविज सारे मतलब की ह्यूमंस है, मेमल्स सब है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा एस के हेलमेंथिस से आगे सारे में कंप्लीट है, कंप्लीट प्रेजेंट है। तो ओनली मेमल्स के अंदर तो मेमरी ग्लैंड हो गई, अगर स्किन हेयर जाता तो स्किन हेयर भी आंसर चला जाता। अब अल्थबम के बारे में पूछा है बच्चों। देखो बच्चों अल्थबम पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, मेन कॉकरोच है बच्चों।
कॉकरोच बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन अल्पम का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं बच्चों, कभी बच जाए तो ठीक। अल्पम के बारे में क्या करेक्ट है? अल्पम में क्या होता है, मतलब कि एक ही जने के अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये हर्माफ्रोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं? हर्माफ्रोफाइट होते हैं, बाईसेक्सुअल है। बाईसेक्सुअल को क्या बोलते हैं बच्चों? हर्माफ्रोफाइट। तो हर्थ इज नॉट हर्माफ्रोफाइट, गलत है। हर्थ इज अल्पम इज हर्माफ्रोफाइट, बाईसेक्सुअल होता है बच्चों ये। इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक ही जना है फिर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अल्पम हैज डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रिडिया, हाँ बच्चों नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं है ना। और फेरिंजियल सेप्टर इनटू सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ये बिल्कुल सही आते हैं। टिफ्लोसोल इज एन एक्सटर्नल मीडियल फोल्ड ऑन डोर्सल पोल, डोर्सल पोल पे तो होती है, मीडियल फोल्ड पे भी होती है टिफ्लोसोल, लेकिन इंटरनल अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, इंटरनल होती है, मीडियल पोल ऑफ द डोर्सल पोल पे प्रेजेंट होती है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इसके इंटेस्टाइन में क्या करवाते हैं, जीआई एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करवाते हैं। जो टिफ्लोसोल इंटरनल है मीडियल फोल्ड पे ही है, लेकिन डोर्सल पोल पे ही है, तो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है ना। और अल्पम में कैसा होता है, इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हर्माफ्रोफाइट है, एक ही जने के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब बात देखिए 110 देखिए 110 हमें क्या देखना है। हाइमन इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ विर्जिनिटी, नहीं बच्चों हाइमन नहीं है रिलायबल इंडिकेटर, नहीं है इंडिकेटर तो है लेकिन रिलायबल नहीं है कि हाइमन है तो भैया विर्जिन है, हाइमन नहीं है तो नॉन विर्जिन है, ऐसा नहीं है। हाइमन आपके देखो कूदते टाइम, घोड़ा चलाते टाइम, साइकिल चलाते टाइम, खेलते टाइम भी टूट सकती है, तो हाइमन ब्रेक हो सकती है, तो हाइमन मतलब कि विदाउट लॉस ऑफ विर्जिनिटी ये हाइमन लॉस हो रही है, तो हाइमन। और काफी काफी लेडीज ऐसी होती हैं जो विर्जिन नहीं होती, उनके अंदर अभी भी हाइमन प्रेजेंट होती है, तो हाइमन विर्जिन के अंदर भी हो सकती है, नॉन विर्जिन के अंदर हो सकती है, तो हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द विर्जिनिटी, ये याद रखना है। एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म कंटेन सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चों एक्रोसोम जो होता है ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिटेज एंजाइम होता है, तो एक्रोसोम में नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नीचे प्रेजेंट होते हैं नेक और उसमें टेल में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कार्पस रूटम ट्रांसफर इन टू द ग्राफियन फॉलिकल, नहीं ग्राफियन फॉलिकल जो होती है जिसमें वो निकल गया सेकेंडरी ओसाइन निकल गया वो कार्पस लूटियम बनाती है, ग्राफियन फॉलिकल से कार्पस लूटियम बनती है, ना कि कार्पस लूटियम से ग्राफियन फॉलिकल, तीसरा भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड गेस्टेशन, नहीं बच्चों पाल्चुरेशन बोलते हैं, गेस्टेशन होता है मतलब कि पूरा जो 9th मंथ का पीरियड होता है उसको गेस्टेशन बोलते हैं, और डिलीवरी वाली प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं गेस्टेशन, पाल्चुरेशन, क्या बोलते हैं पाल्चुरेशन। तो बच्चों चारों गलत है, ऑप्शन टू चारों गलत है बच्चों। समझ में आया बच्चों, क्या सुनना है बच्चों, क्या प्रॉब्लम हो गई? हंसो बच्चों, हंसना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। पल्लवी, आकाश, रानू, प्रतीक्षा, आपको समझ में आ गया ये? बिल्कुल चारों ऑप्शन गलत है बच्चों, चारों ऑप्शन गलत है। मोस्टली का सही हुआ होगा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, टाइम गैप इन बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ द हेल्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, देखो हमारा 2000 बिलियन ईयर पहले तो यूनिवर्स बना, फिर 4.5 बिलियन ईयर अगो क्या बना, अर्थ बनी, और 4 बिलियन पहले क्या बना, हमारी ऑर्गेनिज्म बना, मतलब कि ऑरिजिन ऑफ द लाइफ हुआ, मतलब अर्थ हुई 4.5 बिलियन पहले और ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ हमारे पास 4 मिलियन पहले, तो दोनों के बीच में क्या होता है 0.5 बिलियन,
या 500 मिलियन, मिलियन में भी पूछ सकता है, तो 500 मिलियन है या 0.5 बिलियन है। ऑप्शन वन जाएगा बच्चों इसका आंसर, ऑप्शन वन 4 बिलियन पहले। देखो चौथा ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, 4 बिलियन ईयर पहले, तो आज के ड्यूरेशन से 4 बिलियन पहले। लेकिन अगर अर्थ और उसके बीच में, अर्थ बनी 4.5 और मतलब कि लाइफ ओरिजिनेट हुई 4, तो दोनों के बीच में गैप आता है 0.5। ठीक है बच्चों, अब देखिए ह्यूगो डीब्रिज, ह्यूगो डीब्रिज ने क्या दिया था, म्यूटेशंस के बारे में बताया था। ह्यूगो डीब्रिज ने म्यूटेशंस के बारे में बताया था कि म्यूटेशन कैसे होते हैं। इसने बताया था कि फास्ट, बहुत जल्दी एक सिंगल स्टेप में हो जाता है, सिंगल स्टेप में हो जाता है सॉल्टेशन, क्या बोलते हैं सॉल्टेशन, सॉल्टेशन के बारे में बताया था कि जो वेरिएशन आता है, जो इवोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन कैसे होते हैं, बिल्कुल सिंगल स्टेप में होते हैं, लार्ज म्यूटेशन होता है, बड़े बड़े होते हैं, जल्दी से ना हो जाते हैं, सिंगल स्टेप में बड़ा सा म्यूटेशन हो जाता है जिससे डिफरेंट स्पीसीज जन्म ले लेती है। ह्यूगो डीब्रिज ने ये बताया था। अब ह्यूगो डीब्रिज ने इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज उसका दूसरा नाम है आइनोथेरा लेमार्कियाना, क्या बोलते हैं आइनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोज उसके ऊपर काम किया था बच्चों। किसके ऊपर किया था, ह्यूगो डीब्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज जो जगह आइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है बच्चों, 112 का ए बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज सॉल्टेशन, क्या बोला था सॉल्टेशन, सॉल्टेशन किसने दिया था, ह्यूगो डीब्रिज ने दिया था बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉल्टेशन याद रखना है, सॉल्टेशन इवनिंग प्रिमरोज लेमार्कियाना। और जबकि जो उसने बताया था क्या, मेंडल, मेंडल ने क्या बताया था कि छोटे 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 स्टेप में हमारे पास नई वो बनाती है, उसने कारक नाम फैक्टर दिए थे, फैक्टर दिए थे। कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हैं। अब पेस सेटर इन द हार्ट, पेस मेकर ने पूछा है बच्चों, पेस मेकर होता है एस ए नोड और पेस सेटर होता है बच्चों ए बी नोड, याद रखना है। देखो पेस मेकर है जो पूरे हार्ट को कंट्रोल करता है, जिसी की वजह से ओरिजिनेट होती है, वो होती है हमारे पास एस ए नोड, एस ए नोड ही हमारे पास जनरेट करता है इम्पल्स जो होता है ना, हाँ जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, जनरेट करता है ऐसे नोड, जबकि एपी जो एवी नोड होता है ना वो ऐसे नोड की एब्सेंस में काम करता है। ऐसे नोड नहीं है तो ये भी जनरेट करने लग जाता है, थोड़ी स्लो रेट पर जनरेट करता है लेकिन जनरेट करता है, तो इसे बोलते हैं पेस सेटर की मैया। जब पेस मेकर नहीं होगा तो ये काम करने लग जाता है, काम करने लग जाता है पेस सेटर, इसे एवी नोड, एवी नोड और पेस मेकर इसे ऐसे नोड। अगर पेस मेकर पूछता तो ऐसे नोड, पेस सेक्टर पूछा है इसलिए ए बी नोड। ठीक है बच्चों, ये पेस सेक्टर वाला समझ में आ गया, ए बी नोड 113 आ गया ज्यादातर बच्चों को, अगर पेस मेकर पूछता तो ऐसे नोड। अब बताइए बच्चों ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, बच्चों ये तो याद रखना है, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट जो होता है, ये याद ही रखना है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 114 लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है बच्चों, ये लिम्बिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, हिप्पोकैम्पस होता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। अब देखो बच्चों 115 देखिए,
कैप्सुला के अंदर 300 सीट बनाते हैं बच्चों, कैप्सुला का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, कैप्सुला के अंदर बनाना है। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं n प्लस एन वाई फोर, क्या लगाते हैं, पहले n प्लस एन वाई फोर, एन क्या है, कितने नंबर ऑफ सीट बनाने हैं, कितने नंबर ऑफ सीट बनाने हैं, तो 300 सीट बनाने बच्चों, 300 सीट बनाते हैं, 300 प्लस 300 बाई 4, 300 बाई 4 75 हो गया, 300 प्लस 75 कितना हो गया, 375, 375 मियोसिस की जरूरत होती है। अब इसको समझते हैं बच्चों, देखो मियोसिस बनने के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो मेल चाहिए होता है, एक फीमेल गैमेट चाहिए होता है, मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट चाहिए होते हैं। एक मेल गैमेट बनाने के लिए प्लांट के अंदर जो होते हैं वो कितने, मतलब कि कितने, चार मेल गैमेट एक मियोसिस से बनते हैं, चार मेल गैमेट बनाने के लिए दो माइटोसिस और एक मियोसिस की जरूरत होती है, कितने की जरूरत होती है, एक मियोसिस एंड चार माइटोसिस की जरूरत होती है। जबकि फीमेल गैमेट चार बनते हैं लेकिन तीन डीजनरेट हो जाते हैं, तो एक फीमेल गैमेट बनाने के लिए एक मियोसिस की जरूरत होती है। तो 300 सीट है, तो 300 सीट है तो 300 फीमेल गैमेट चाहिए होंगे, तो 300 फीमेल गैमेट बनाने के लिए 300 मियोसिस। अब 300 सीट है तो हमारे पास 300 मेल गैमेट चाहिए होता है, एक मेल गैमेट बनाने के लिए, सॉरी चार मेल गैमेट बनाने के लिए चाहिए होती है एक मियोसिस, कितना चाहिए होता है, चार मेल गैमेट बनाने के लिए चाहिए होता है एक मियोसिस। तो 300 मेल गैमेट बनाने के लिए चाहिए होगा 75 मियोसिस, तो टोटल कितने मियोसिस हो गए, 375। इसमें कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हैं, 115 एन प्लस एन बाई फोर से निकालते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, एन प्लस एन बाई फोर, एन क्या है, नंबर ऑफ सीट, कितने नंबर ऑफ सीट बनाने, 300 सीट बनाने भैया, 300 सीट मतलब कि 300 फीमेल गैमेट, 300 फीमेल गैमेट है तो 300 मियोसिस है ना, 300 मेल गैमेट है तो एन बाई फोर, क्योंकि चार से चार मेल गैमेट एक मियोसिस से बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। संजना आपको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, इसको कोई कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 300 फीमेल गैमेट तो 75 मेल गैमेट, ठीक है, 300 फीमेल गैमेट है तो 300 मियोसिस फीमेल में, 300 और 75 मियोसिस किसमें, मेल मेल में। काफी बच्चों का सही था, बिल्कुल सही आंसर है ये। अब देखो बन से देखिए, अकरेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो, वन एम्ब्रियो की पूछ रहा है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब देखो इसको देखते हैं, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, क्रोमोसोम ज्यादा होना, जैसे एन टू एन थ्री एन फोर एन, पॉलीप्लॉइडी ये होता है क्रोमोसोम का डबलिंग ट्रिपलिंग होना क्रोमोसोम। जबकि आता है पॉलीटेनी का, मतलब होता है डीएनए का ज्यादा होना, पॉलीटेनी होता है डीएनए ज्यादा होना, डीएनए बहुत ज्यादा हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया डीएनए, तो ये होता है पॉलीटेनिक। पार्थिनोजेनेसिस होता है बच्चों, जो मतलब की एक सेक्सुअल मतलब की कायिक जनन होता है ना, उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होना, इतना पॉली एम्ब्रियोनी, तो 116 का 3 आंसर जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पंज में, स्पंज का पूछा है, स्पंज मतलब पॉलीपेरा, स्पंज के अंदर बच्चों 12th की एनसीईआरटी है, 12th की एनसीईआरटी में गैम्यूल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, क्या हुआ है, गैम्यूल का डायग्राम भी दे रखा है, गैम्यूल का फॉर्मेशन लिखा भी हुआ है। गैम्यूल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, 12th वाले फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसका डायग्राम दे रखा है। देखो गैम्यूल फॉर्मेशन होता ही है, दूसरा इसके अंदर इंटरनल बडिंग भी होती है, एक्सटर्नल बडिंग नहीं होती, इंटरनल बडिंग होती है इसके अंदर, याद रखना है बच्चों, एक्सटर्नल बडिंग नहीं होती, इंटरनल बडिंग होती है स्पंज के अंदर, पॉलीफेरा के अंदर, स्पंज के अंदर गैम्यूल फॉर्मेशन, गैम्यूल फॉर्मेशन का तो एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे तरह से डायग्राम दे ही रखा है, एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे तरह से डायग्राम दे ही रखा है। और बडिंग किसमें होती है बच्चों, जैसे अमीबा में दे रखा है ना, ईस्ट में दे रखा है, देखो और क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, जू स्पोर्ट जो होते हैं वो किसमें बनते हैं, क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं, जू स्पोर्ट किसमें बनते हैं, क्लेमाइडोमोनास में, कॉनिडिया किसमें बनते हैं, पेनिसिलियम में बनते हैं, कॉनिडिया फंगाई में बनेंगे तो मतलब की प्लेनिसिलिन वाले में बनते हैं, और मतलब की जो बर्ड किसमें बनता है, हाइड्रा में, हाइड्रा में क्या बनता है, बडिंग होती है, एंड गैम्यूल बनते हैं स्पॉन्ज के अंदर,
कैमियन बनते हैं स्पॉन्ज के अंदर। ये याद रखना है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, इसका टाइम है। वैसे अब प्लांट के अंदर दे रखा है, प्लांट के अंदर जैसे कि हमारे पास है ना आइज किसके अंदर होती है, पोटैटो के अंदर होती है। ये एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी के साथ साथ रिवाइज करिए। रिवीजन ही है मेन मतलब हमारी क्लास का है, रिवीजन कराना। तो आपको याद होना चाहिए कि कैसे, देखो कोनिडिया किसके अंदर बने, पेनिसिलियम के अंदर। दूसरा बर्ड किसके अंदर बनी, हाइड्रा के अंदर बनी। गैम्यूल किसके अंदर बना, स्पंज के अंदर। और मतलब की हमारे पास जाइगोस्पोर, जू स्पोर किसके अंदर बना बच्चों, हमारे पास क्लेमाइडोमोनास के अंदर। किसके अंदर बना, क्लेमाइडोमोनास। एनसीईआरटी का डायग्राम बोलिए, एनसीईआरटी का डायग्राम को पढ़िए, उस पैराग्राफ को पढ़िए, साथ में सब कुछ देखिए बच्चों। प्लांट के अंदर दे रखा है, प्लांट के अंदर दे रखा है जैसे कि है ना पोटैटो के अंदर क्या होती है, आई जो होती है। वेजिटेटिव पढ़ रहे हैं बच्चों, वेजिटेटिव एक सेक्सुअल। तो हमारे पास वेजिटेटिव आईज किसके अंदर होती है, पोटैटो के अंदर आईज। और राइजोम होती है जिंजर के अंदर, जिंजर के अंदर जो राइजोम होते हैं वो भी एक सेक्सुअल स्पोर्ट्स का मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए राइजोम होती है। और मतलब कि बुलबुल होती है फिर आता है मतलब कि लीफ बर्ड होती है हमारे पास ब्रायोफाइलम के अंदर होती है। और ऑफसेट होती है मतलब कि वाटर हाइंथीज के अंदर होती है। देखो दो टाइप की होती है, एक तो एक्सटर्नल बडिंग होती है, एक इंटरनल बडिंग होती है। एक्सटर्नल बडिंग का मतलब होता है शरीर के बाहर एक छोटी सी बड बनी, वो शरीर के अलग हो जाएगी और उससे नया ऑर्गेनिज बन जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बडिंग। शरीर के बाहर बनती है एक्सटर्नल बडिंग जो जाएगा। इंटरनल बडिंग क्या होती है बच्चों, शरीर के अंदर ही क्या बनती है, मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, शरीर के अंदर ही अंदर जो हो जाएगा तो उसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग, शरीर के अंदर ही होती है। अब स्पॉन्ज क्या है, एक ही सेल है, सॉरी मल्टीपल सेल्स होती है, सेल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। तो सेल है स्पॉन्ज, पॉलीफेरा है, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि सेल के अंदर क्या हो जाएगा, सेल अंदर से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल बडिंग होती है, सेल के अंदर बड बनती है स्पंज के अंदर। इंटरनल बडिंग बच्चों और भी होती है, जैसे कि आप प्लेटी हेलमेंटीज वगैरह पढ़ोगे ना उनके अंदर, अब आगे पढ़ेंगे। बनाना में बच्चों स्टेम से ही कर लेते हैं हम साइडेड एसेक्सुअल स्पोर। देखे बनाना, सुगर केन वगैरह ये पढ़ते हैं, इनके अंदर क्या होता है, देख राइजोम्स होता बनाना भी होते हैं, क्या होते हैं राइजोम होता बनाना, बनाना के राइजोम्स होते हैं, उनसे बन जाती है राइजोम में, स्टेम से राइजोम निकलते हैं, उससे नया प्लांट बन जाता है बनाना के अंदर राइजोम। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों राइजोम। देखो बच्चों एनसीईआरटी में राइजोम लिखा हुआ है कि राइजोम होते हैं राइजोम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जिंजर में भी होते हैं बच्चों राइजोम। देखो अब इसमें करेक्ट मिलाना है, सबसे पहले देखो ऑप्शन में कहां तुम्हारे पास दे रखा है। एक आप देख लीजिए माइसेनिया ग्रेविस देखते हैं, लास्ट से देखते हैं। माइसेनिया ग्रेविस क्या होता है बच्चों, ऑटो इम्यून वो होती है जिसमें क्या होता है, जो पोस्ट सिनेप्टिक हमने मेम्ब्रेन बनी थी जिसपे एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है
और वो रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, एसिटाइल कोलिन के जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस इज द ऑटो इम्यून, मतलब कि खुद की चीजों के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गई, खुद की चीजों के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो गई, एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए डेवलप हो जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। तो एसिटाइल कोलिन काम नहीं कर पाएगा, एसिटाइल कोलिन नहीं काम कर पाएगा तो मसल कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगी, पैरालिसिस में चली जाती है मसल। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो होती है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ई का फर्स्ट ओनली थर्ड ऑप्शन दे रखा है तो आंसर तो पता चल गया हमको थर्ड होगा, लेकिन अदर ऑप्शन भी मिला लेते हैं। अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है कि बोन का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में? क्या होता है? जो मिनरल्स होते हैं वो खत्म होने लग जाते हैं, मिनरल्स चले जाते हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स के अंदर होता है, ओल्ड एज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से डीमिनरलाइजेशन मतलब कि मिनरल्स बाहर चले जाते हैं बोन्स से। तो बोन्स कैसे होती रहती है? वीक हो जाती है, फ्रैक्चर इजिली हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बोन मास कम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मास कम होता है। तो बी का फाइव होगा। अब देखो टिटनी में क्या होता है बच्चों? टिटनी होता है हाइपोकैल्सीमिया। क्या होता है? कैल्सियम की टिटनी क्या होती है? हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या होता है बच्चों? जो नर्व फाइबर होती है ना उनकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, बहुत ज्यादा हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाती है नर्व। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाती है, इसकी वजह से वो क्या करती है जल्दी से जल्दी थोड़ा सा भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ नहीं वो जल्दी से ना मसल को कॉन्टेक्ट करा देती है। तो रैपिड स्पास्म ऑफ द मसल होता है टिटनी के अंदर और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। क्या होता है? टिटनी हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन है, रैपिड स्पास्म ऑफ द मसल होता है। ए का फोर बी का फाइव, ये समझ में आ गया। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है बच्चों, मसल्स की प्रॉब्लम है, स्केलेटल मसल जाने लग जाती हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल होता है। आर्थराइटिस का मतलब होता है बच्चों इंफ्लामेशन, आर्थराइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन। क्या होता है? इंफ्लामेशन। तो आर्थरा का मतलब होता है जॉइंट का इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज द आर्थराइटिस। तो डी का थर्ड हो गया, डी का थर्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है हमारे पास? सेकंड हो गया प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को बताइए। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिजीज वाला, काफी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच के एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनता है, एक एक शब्द पे एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनता है। कॉकरोच हैव अ काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, इन विच स्केलेटिक प्लेट आर जॉइंट विद, इसको तो याद ही रखना है बच्चों, थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जॉइंट रहती है, थिन एंड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू जॉइंट रहती है कॉकरोच। बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा बच्चों कॉकरोच को। अब देखा नॉन मीडिएटर आईयूसीडी, आईयूसीडी के हम क्या पढ़ते हैं? तीन जनरेशन पढ़ते हैं। एक तो मतलब कि जो जगह हमारे पास नॉन मेडिकेटेड का मतलब होता है कोई भी इसमें ना तो कॉपर प्रेजेंट है ना ही हार्मोन प्रेजेंट है, तो ना तो कॉपर है ना ही हार्मोन है, तो कौन सा होता है नॉन मेडिकेटेड? लिपस लूप में ओनली धागा प्रेजेंट होता है, कोई भी ना तो कॉपर होता है ना ही हार्मोन प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह कुछ नहीं होता, तो ये नॉन मेडिकेटेड होता है आयु मतलब की लिपस लूप। दूसरा आता है कॉपर टी में क्या होता है? कॉपर प्रेजेंट होता है, तो ये मेडिकेटेड है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है। प्रोजेस्टार्ट एंड मतलब की LNG20 दोनों के दोनों में प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है LNG20 में और प्रोजेस्टार्ट में, ये मेडिकेटेड है। थर्ड जनरेशन है बच्चों, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन होती है नॉन मेडिकेटेड, सेकेंड जनरेशन होती है कॉपर वाली, और थर्ड जनरेशन होती है हमारे पास जो हार्मोन कंटेनिंग में दो पढ़ते हैं प्रोजेस्टार्स और LNG20।
क्या पढ़ते हैं, प्रोजेस्टाट और LNG-20, ये याद रखना है बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो गोल्डन एज फॉर डायनासोर पूछा है। गोल्डन एज फॉर डायनासोर, डायनासोर के लिए होता है बच्चों कौन से, आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है, देखो आप ऐसे याद रखो जुरासिक पार्क मूवी होती है, जुरासिक में क्या दिखाए हुए, दिखाए हुए डायनासोर, तो जुरासिक मतलब की जुरासिक पीरियड में होंगे डायनासोर, किस में होंगे, जुरासिक पीरियड में। जुरासिक आता है मिड में आता है मीजोजोइक एरिया में, किसमें होता है, मीजोजोइक एरिया, जुरासिक पीरियड, मीजोजोइक एरा में, जुरासिक पीरियड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डायनासोर, है ना, मीजोजोइक जुरासिक मूवी देखी, टीवी पे देखी, मिड में टीवी बीच में रखी होती है, मीजोजोइक एरा होता है उसके अंदर क्या होता है, डायनासोर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऐसे याद रखिए बच्चों। फिर अरे नेट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बच्चों कहाँ होती है, दो इलियम और सीकम के जंक्शन पे होती है। इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इलियम और सीकम के जंक्शन पे होती है, मतलब कि स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे होती है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे क्या होती है बच्चों, हमारे पर अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होती है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे। 122 का फर्स्ट, 122 का फर्स्ट आंसर जाएगा बच्चों। अब देखो ओ वाला व्यक्ति है, ओनली ओ है, ओ वाले के अंदर क्या होगा बच्चों, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, दोनों टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, ए और बी दोनों टाइप के एंटीबॉडीज होंगी, तो बताओ बच्चों वो ए बी वाले से ले सकता है क्या, ए बी वाले में दोनों टाइप के एंटीजन है तो नहीं ले सकता, एंटीजन एंटीबॉडी कॉकुलेट हो जाएंगी। ए और बी से ले सकता है क्या, ए में ए टाइप के एंटीजन होगा तो वो एंटीबॉडी ए के साथ काम कर लेगा, बी वाले में बी टाइप का एंटीजन होगा तो ओनली ओ टाइप से ही ले सकता है। हमें कोगुलेशन से बचाना है, कोगुलेशन से बचाना है, तो जिसके अंदर दोनों टाइप के एंटीजन ना हो वो ही हमारे पास ओ टाइप को दे सकता है। दोनों टाइप के एंटीजन किसके अंदर नहीं होते, ओनली ओ टाइप के अंदर। एक सौ तेईस का ऑप्शन फर्स्ट, ए बी वाला बच्चों सबके अंदर से ले सकते हैं क्योंकि ए बी वाले में दोनों एंटीजन है। देखो 124, अब देखिए क्रेनियल नर्व में थे हाउ मेनी नर्व आर मिक्स, मिक्स का मतलब होता है सेंसरी और मोटर दोनों है। देखो ऑल्फैक्टिव फर्स्ट नर्व है, ये कौन से होते हैं, नाम से ओनली सेंसेशन लेके जाती है, सेंसेशन लेके जाती है तो ओनली सेंसरी है। ऑप्टिक नर्व आंखों की होती है, सेकंड नर्व है, ये भी ओनली सेंसरी है, यहाँ से सेंसेशन लेके जाती है, विजुअल वाले ओनली सेंसरी, ऑल्फैक्टिव ऑप्टिक दोनों सेंसरी है। ऑक्यूलो मोटर थर्ड फोर्थ सिक्स जो होती है, 3, 4, 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करती है, आंखों की मसल को सप्लाई करती है, तो ये कौन सी होती है बच्चों, 3, 4, 6 ये होती है हमारे पास मोटर, मोटर होती है, कौन सी होती है, ओनली मोटर, ये ऑल्फैक्टिव ऑप्टिक ओनली सेंसरी, ऑक्यूलो मोटर ट्रोक्लियर ट्राइजर्मिनल सॉरी एब्डुसेंस, एब्डुसेंस ये ओनली कैसे होती है, मोटर होती है, 3, 4, 6 बच्चे हमारे पास ट्राइजेमिनल और फेशियल, ट्राइजेमिनल और फेशियल कैसे होती है, सेंसरी मोटर दोनों होती है, सेंसरी मोटर सिक्रेटो मोटर भी होते हैं इसमें अंदर, मतलब कि ग्लैंड को भी सप्लाई करती है, और ऑडिटरी होती है ओनली कान की मसल है, कान की है तो सेंसरी ओनली, सेंसरी से लेके जा रही है, तो ट्राइजेमिनल और फेशियल दो आर मिक्स इन ग्लैंड, तो दो होती है बच्चों, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा बड़े लेवल का है कि सेंसरी कौन सी होती है, मोटर कौन सी होती है, टू होती है बच्चों ओनली, मोटर कौन सी है हमारे सेंस मतलब कि जो मिक्स कौन सी है, ट्राइजेमिनल एंड फेशियल, अगर मोटर पूछता तो मोटर कौन सी है, ऑक्यूलो मोटर ट्रोक्लियन एंड एब्डुसेंस 3, 4, 6 जबकि अगर सेंसरी पूछा तो ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक एंड ऑडिटरी, ये प्योर सेंसरी है, ये प्योर मोटर है, और ये प्योर मतलब कि मिक्स है। हाँ बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ए बी नेगेटिव।
फिर आता है द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स बताओ फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द एंटीपोडल सेल। देखो बच्चों ऑप्शन देखे, एपोगेमी का मतलब होता है गैमी, मतलब कि गैमेटोसाइट से क्या बन जाती है, स्पोरोफाइट बन जाती है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि गैमेटोफाइट से एपोगेमी, मतलब कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगी विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं एपोगेमी। एपोस्पोरी का मतलब होता है बच्चों, एपोस्पोर का मतलब होता है स्पोरोफाइट बनता है, स्पोर्ट्स बन जाते हैं, सॉरी स्पोर्ट्स से गैमेट बन जाते हैं विदाउट, मतलब कि डिविजन, म्यूसिस के विदाउट क्या हो जाती है, स्पोर्ट्स से एंड वाली फेज में चली जाते हैं। एपोस्पोरी एपोगेमी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एपोगेमी में होता है गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, एपोगेमी में गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। जाइगोस्पोरी में क्या होता है, जाइगो मतलब कि जाइगोस्पोर बनते हैं, जो स्पोर्ट्स बनते हैं। एप्लेनोस्पोरी भी एसेक्सुअल का ही है बच्चों, फंगाई के अंदर, तो इसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल में डिफरेंस होता है। जाइगो कैसे होती है, हमारे पास मोटाइल होती है, जबकि एप्लेनो वाली जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से करने की कोशिश कर लीजिए। मतलब कि एपोगेमी गैमेटोफाइट से क्या बनेगी, एपोगेमी। तो इसमें ऑप्शन 4 125 का डी है। 126 बच्चों, आराधना आपने तो पहले ही बता दिया, 126 देखते हैं हम। देखो पहले ये डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट है, ये है एम्ब्रियो सैक और ये है एनाट्रोपस ओव्यूल है बच्चों, एनाट्रोपस है, एनाट्रोपस होता है। ऑप्शन 2 है बच्चों, 126 का ऑप्शन 2 है आंसर, एनाट्रोपस है बच्चों। हमारे जो एनसीईआरटी में ओनली एनाट्रोपस ही दिया हुआ है। एनाट्रोपस में किस कैसा होता है, 180 डिग्री पर चला जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो गया, नहीं हो गया, 180 डिग्री पर हो गया बिल्कुल, मतलब कि जो हमारा स्टॉक है वो ऊपर की तरफ चली गई, बिल्कुल उल्टा हो गया, तो इसे बोलते हैं एनाटोपस। बच्चों 126 का सेकंड आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, आराधना 126 का सेकंड। फाइव जी भी आने वाला है बच्चों, 126 का सेकंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमन फीचर ऑफ द सीलेंटेड एंड कीनोफोर। सीलेंटेड और कीनोफोर में दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों। देखो सेलुलर लेवर होता है फोरिफेरा के अंदर, फोरिफेरा के अंदर क्या होता है, स्पंज वगैरह के अंदर सेलुलर लेवर होता है। टिश्यू लेवल होता है सीलेंटेड एंड कीनोफोर के अंदर होता है। प्लेटी हेलमेंटी से आगे ऑर्गन लेवल हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम पहले मतलब कि प्लेटी हेलमेंटी से अंदर आया था, इनकम्प्लीट जीआई ट्रैक था, जीआईटी सिस्टम आ गया था, तो मतलब कि ये वाली। अब बात करते हैं प्लांट सेट। देखो ए सिलोमेट होते हैं, ए सिलोमेट तक होता है हमारे पास, सॉरी ए सिलोमेट तक प्लांट, सॉरी प्लेटी हेलमेंटी तक क्या होता है, ए सिलोमेट होता है। ब्लाइंड सैक होता है इनके अंदर, ब्लाइंड सैक पॉडी प्लान है, क्योंकि इनके अंदर एक ही मुंह होता है, एक ही वो होता है, अलग अलग कुछ नहीं है, तो ब्लाइंड सैक होता है इनके अंदर। सीलेंटेड टीनोफोर नीडोफ्लास्ट, नीडोफ्लास्ट जो होती है ओनली किसके अंदर होती है, सीलेंटेड के अंदर होती है बच्चों। सीलेंटेड के अंदर ओनली नीडोफ्लास्ट होती है, टीनोफोर के अंदर नहीं होती। इसमें कोई डाउट बच्चों है, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। सीलेंटेड एंड टीनोफोर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हायर्ड बोन। हायर्ड बोन, हायर्ड बोन बच्चों यहाँ पे होती है बिल्कुल टंग के नीचे, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यू शेप की होती है, किसी भी और बोन के साथ कनेक्टेड नहीं रहती, ओनली एक ही बोन है, ओनली वन इन नंबर, एक ही होती है। हायर्ड बोन यहाँ पे होती है, एक ही होती है, यू शेप की होती है, बिल्कुल यू शेप की प्रेजेंट होती है यहाँ पे हायर्ड बोन।
है ना, टॉप ऑफ द बक्कल कैविटी पे नहीं है, बेस ऑफ द बक्कल कैविटी पे। ये बक्कल कैविटी जो है इसके नीचे की तरफ है, यहाँ पे आयोड बोन तो बेस पे प्रेजेंट होती है ना कि टॉप पे, ये गलत हो गया। नॉट अटैच्ड विद द एनी अदर ऑफ द बोन ऑफ द बॉडी, सही बात है बच्चों, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी और बोन के साथ अटैच नहीं रहती। ये कार्टिलेज के साथ अटैच हो सकती है, जैसे टंग के साथ अटैच हो गई, एपिग्लॉटिस के साथ अटैच हो गई, और थायराइड कार्टिलेज जो लैरिंग्स की थायराइड कार्टिलेज होती है उसके साथ अटैच हो सकती है, लेकिन बोन के साथ किसी के साथ भी अटैच नहीं रहती। तो 128 का तीसरा आंसर जाएगा थर्ड, बेस ऑफ द बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है बच्चों। अब देखो दोबारा किसके ऊपर आ गया हमारे पास, कॉकरोच के ऊपर। बच्चों कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, कॉकरोच के ऊपर पूरी एक क्लास लगनी चाहिए, आपकी हो गई होगी कॉकरोच के ऊपर, आपकी क्लास हो चुकी है ना। कॉकरोच के ऊपर आपकी क्लास हुई है या नहीं हुई, ठीक है। देखो कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर मेल और फीमेल दोनों इक्वल साइज के होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा हुआ, दोनों बराबर साइज के लिखे हुए हैं, है ना। तो लाल जो फीमेल मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा कौन सा होगा बड़ा कौन सा होगा बच्चों। तो कॉकरोच के ऊपर एक स्पेशल क्लास लेंगे आपकी, क्योंकि कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों कॉकरोच के अंदर से, ठीक है। कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही आंसर दिया है पल्लवी। देखो मेल इज लार्जर देन फीमेल, नहीं दोनों बराबर साइज के होते हैं। ओनली मेल कॉकरोच हैव कैपेसिटी ऑफ द फ्लाइंग, नहीं नहीं फीमेल में भी होती है। ओनली मेल हैव 11 सेगमेंट, नहीं दोनों में होते हैं 11 सेगमेंट। मेल ए पेयर ऑफ द एनल स्टाइल, एनल स्टाइल ओनली मेल्स के अंदर होता है, फीमेल में नहीं होता। बच्चों 129 का फोर आंसर जाएगा। फिर आया है नॉट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है मतलब कि सही कौन सा है, सही पूछ रहा है। फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी बच्चों, 1951 में। IUD जो होती है वो ब्लॉक करती है फैलोपियन ट्यूब को, नहीं नहीं फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक नहीं करती है। IUD क्या करती है, एक तो ओवुलेशन नहीं होने देती, दूसरा क्या करती है सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देती है, तीसरा कर देती है यूटरस को मतलब कि अनफेवरेबल कर देती है। तीन काम करते हैं, फेलोपियन ट्यूब पे काम नहीं है बच्चों इनका। फिर आता है MTP इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग, नहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ मानी जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ मानी जाती है 12 वीक तक, कभी कभी 20 वीक तक भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। चौथा ऑप्शन है जिफ्ट, मतलब कि जिफ्ट का मतलब है जायगोट, जायगोट ट्रांसफर करते हैं। अब बच्चों जायगोट जो होता है 8 एम्ब्रियो तक कर रहे हैं तो फैलोपियन ट्यूब पे, अगर 8 सेल से आगे कर रहे हैं तो वो किस में करता है यूटरस के अंदर। तो इसमें पूछा है जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 प्लास्टोमियर तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर कर दो। एक सौ तीस का चार बच्चों, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 8 सेल तक फैलोपियन ट्यूब में ही करते थे, 8 से आगे जो होती है वो किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं बच्चों हम, यूटरस के अंदर। अब 131 देखिए बच्चों, देखो फ्लाइंग स्क्वायरल और फ्लाइंग पैलेंजर, सबसे पहले ये देखिए कि दोनों का फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है तो बच्चों फंक्शन किसमें सेम रहता है, दोनों का फंक्शन सेम रहता है बच्चों कन्वर्जेंट में। कन्वर्जेंट में क्या होता है, अलग अलग जगह से आती हैं और एक साथ डेवलप होती है, टू फंक्शन एक जैसा फंक्शन करने के लिए, कन्वर्जेंट क्या बोलते हैं इनको, जो जगह होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आपने पढ़ा है बच्चों, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट।
एनालोगस और होमोलोगस जो जाएगा हमारे पास होमोलोगस। एनालोगस समजात, समजात का मतलब होता है एक ही जैसी उत्पत्ति है, तो वो कौन सी होती है? होमोलोगस। होमोलोगस डाइवर्जेंट होती है, समजात होती है तो वो डाइवर्जेंट है, जबकि एनालोगस जो होती है वो कौन सी होती है? कन्वर्जेंट होती है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों की दोनों एक जैसा काम कर रही हैं, एक जैसा काम कर रही हैं, मतलब कि अलग अलग जगह से आगे एक जैसा काम करने के लिए क्या हुई होंगी? कन्वर्ज हुई होंगी, कन्वर्ज हुई होंगी। अब देखो कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज बाय द डाइसेकेराइड। काइम किसके अंदर बनता है बच्चों? स्टोमक के अंदर। स्टोमक से आगे वो किसमें जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों? लिवर से और पैंक्रियाज से सिक्रेशन आते हैं, वो मतलब कि क्या करवाते हैं हमारे पर डाइजेशन करवाते हैं। तो देखो अब देख कार्बोहाइड्रेट से मतलब कि डाइसेकेराइड बनाना है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का करता है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है, जबकि अल्फा एमाइलेज और सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज बच्चों किस कहां तक काम करता है? ओनली इसोफेगस तक काम करता है। इसोफेगस तक जो कार्बोहाइड्रेट का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो सेलेवरी एमाइलेज से होता है, फिर बाद में पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो जाता है, अल्फा अमाइलेज आ जाता है पैंक्रियाज के थ्रू। पैंक्रियाज वाला हमारा काइम के अंदर करेगा, किसके थ्रू करेगा? पैंक्रियाज। बच्चों इसमें कोई डाउट हो, सलाइवरी अमाइलेज क्यों नहीं गया, पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्यों गया? ठीक है बच्चों, वन थर्टी टू का थ्री अब 133 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? देखो अगर इसको देखें तो सबसे पहले होती है आर्टरीज। क्या होती है? आर्टरीज, उनकी छोटी ब्रांचेज होती है आर्टरियोल्स, फिर उनसे बनती है कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद बनती है वेन्यूल्स, फिर बनती है वेन्स। बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा इंग्लिश में सॉल्व किया कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को इंग्लिश में सॉल्व किया कीजिए, हिंदी में गलत होने के डर लगा रहता है, हिंदी में हमेशा इंग्लिश में करें। आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन्स, इन क्वेश्चनों को इंग्लिश में सॉल्व कीजिए बच्चों, हिंदी में गलत होने का डर लगता है, कुछ भी कैसे भी लिख देते हैं, तो इंग्लिश में सॉल्व कीजिए। आर्टरीज होती है, आर्टरियोल्स होती है, फिर कैपिलरीज होती है, फिर क्या होता है? वेन्यूल्स होती है, फिर वेन्स होती है। ठीक है बच्चों, सी अब देखिए इसका देखते हैं, अभी रुके आपने तो पहले ही आंसर दे दिया 134। देखिए बच्चों, द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनालाइजिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन लाइक टच स्मेल विजन। देखो सारे विजन ऑक्सीपिटल सेंटर में होता है, स्मेल ऑल्फैक्टरी लोब में प्रेजेंट होता है ना, ऑल्फैक्टरी मतलब ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है, ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में विजन का होता है। टच, टच का क्या हाँ होता है हमारे पास बच्चों? सेंसरी, सेंसरी किसमें होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, तो सारे सेरिब्रम के अंदर होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होता है पूरे। तो 134 का डी जाएगा बच्चों, क्या जाएगा? 134 का डी, सारे सारी चीजें किसके अंदर होती है? टच, स्मेल, विजन वगैरह सब क्या होता है? सेरिब्रम का काम है। मेडुला ऑब्लोगेटा का काम क्या है बच्चों? आपकी मेडुला ऑब्लोगेटा का काम है जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, इनवॉलेंट्री जो होते हैं हार्ट, लंग्स वगैरह, उनको रेगुलेट करता है। लिम्बिक सिस्टम आपके इमोशंस वगैरह से रिलेटेड होता है, इमोशंस हो गए है ना, मेमोरी से हो गया, एंड इनसे रिलेटेड कौन होता है? लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन का काम है बच्चों, मिड ब्रेन से ज्यादातर आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व वगैरह निकलती है, क्या निकलती है? नर्व्स निकलती है, थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व निकलती है मिड ब्रेन से। अब बात करते हैं बच्चों फिलिपम अपरेटस। देखो एक क्वेश्चन था वहां पे फिलिपम अपरेटस, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन देखो क्या था, एम्ब्रियो वाला। देखो एक तो माइक्रोपाइल होता है, एक फिलिपम अपरेटस। माइक्रोपाइल जो होता है वो क्या करवा रहा था? सीट के अंदर था। माइक्रोपाइल किसके अंदर था? सीट के अंदर था।
सीट के अंदर था तो वो क्या करवा रहा था बच्चों, सीट के अंदर वाटर एंड वो पहुंचा रहा था, वाटर पहुंचवा रहा था और क्या पहुंचवा रहा था, एयर। जबकि फिलीपॉम एपरेटस क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या करवाता है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री करवाता है। क्या करवाता है, पोलन ट्यूब की। फिलीपॉम एपरेटस जो होती है पोलन ट्यूब की एंट्री, और माइक्रोपाइल वाटर एंड उसकी एंट्री करवाता है, वाटर और एयर की। 135 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई वॉल कंटेन ट्रांसपेरेंट लेंस व्हिच इज हेल्ड इन प्लेस बाय द लिगामेंट अटैच्ड टू द। देखो आई वॉल में क्या होता है, लेंस होता है, लेंस में क्या होता है, फिर जोनुलर लिगामेंट सस्पेंशन लिगामेंट होते हैं जो कि सीलियरी बॉडी से कनेक्टेड रहता है। सीलियरी देखो कोरोइड होते हैं, सेकेंड लेयर ऑफ द आई वॉल क्या रहती है, सीलियरी बॉडी, सॉरी कोरोइड। कोरोइड का आगे वाला पोर्शन क्या कहलाता है हमारे पास, सीलियरी बॉडी। फूला हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से लिगामेंट निकलते हैं जो कि लेंस को क्या रखते हैं, होल्ड करके रखता है। फिर सीलियरी बॉडी से आगे की तरफ क्या निकलती है, आइरिस निकलती है, आइरिस निकलती है। तो मेन सीलियरी बॉडी है जिससे लेंस कनेक्टेड है, क्या है, लेंस कनेक्टेड है, सीलियरी बॉडी। आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, सीलियरी बॉडी से कनेक्टेड रहती है बच्चों, आइरिस से नहीं कनेक्टेड होती है। आइरिस तो आगे की तरफ आ गया, मेन है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी में क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं, सस्पेंशन लिगामेंट, उसके थ्रू क्या होती है, ये सीलियरी बॉडी से लेंस कनेक्टेड रहता है। कोरोइड, कोरोइड का ही आगे चल के सीलियरी बॉडी है। स्पेसिफिक आंसर चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों, सीलियरी बॉडी 136। देखो अब 137 पूछा है, ए सिलोमेट, ए सिलोमेट कौन होते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस तक ए सिलोमेट होते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस तक ए सिलोमेट होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा प्लेटी हेलमेंथिस है, टीनिया सिलियम इज द प्लेटी हेलमेंथिस, एस्केरिज, नेरिज, हिरुनिडा, ये वो, ये क्या है, सारे के सारे एसके हेलमेंथिस है, एसके हेलमेंथिस है। तो हमारे पास प्लेटी हेलमेंथिस ओनली टीनिया सिलियम है, तो ए सिलोमेट अगर कोई पूछा है तो टीनिया सोलियम प्लेटी हेलमेंथिस आंसर जाएगा बच्चों इसमें। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। देखो एसके हेलमेंथिस में एस्केरिज आता है, बाउचेरिया आता है, एंकाइलोस्टोमा वगैरह आते हैं, और एनिलिडा में क्या होता है, नेरिज, नेरिज आ गया, इरुडिनिया, ये इरुडिनेरिया एंड नेरिज और एनिलिडा। एनिलिडा में कैसे होती है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। एस्केरिज में कैसे होती है, सूडो सिलोम प्रेजेंट होती है। एंटीनिया सोलियम इज द प्लेटी हेलमेंथिस, टीनिया एंड पेशियोला, पेशियोला एंटीनिया और प्लेटी हेलमेंथिस, तो इनके अंदर होती है ए सिलोम। एस्केरिज, एस्केरिज वगैरह क्या होता है हमारे पास, एसके हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस में क्या होता है, ट्रू स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम एंड हिरुडिनेरिया एंड नेरिज, नेरिज एंड हिरुडिनेरिया क्या होता है हमारे पास, एनिलिडा, एनिलिडा होते हैं। तो एनिलिडा और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ट्रू सिलोम। कोई डाउट बच्चों, 137 का बच्चों वन होगा। अब देखो हमारे पास 138 और कर लेते बच्चों, 130 या फिर कल करें 138। इंच बॉडी जो होती है, इंच बॉडी यहाँ पे होता है फीमर और अल्ना के बीच में, नहीं फीमर और अल्ना के बीच में तो कोई बोन ही नहीं है, फीमर लेग की बोन है, अल्ना हाथ की बोन है, तो कोई जॉइंट कैसे होगा, तो वन ऑप्शन खत्म हो गया। फीमर एंड पेक्टोरल गिर्डर, फीमर है, पेक्टोरल गिर्डर ये है, फीमर ये है, तो पैरों की बोन क्या है, फीमर है, और पेक्टोरल गिर्डर ऊपर होती है अपर लिम्ब की है, तो इनमें कौन सा जॉइंट होता है, इनमें कोई जॉइंट ही नहीं होता। फीमर एंड पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में कौन सी होती है बच्चों, बॉल एंड सॉकेट टाइप की जॉइंट होती है, कौन से होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, तो बच्चा कौन सा, ह्यूमरस एंड अल्ना, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ द हिंज जॉइंट। अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, या तो मंडे या कल क्लास होगी, मैं आपको पहले से नोटिस दे देंगे कि कब क्लास होगी। तो आगे 139 से आगे कंटिन्यू करना है हमें, 139 से आगे 190
180 तक जाना है, हमारे 40 एक क्वेश्चन और रह गए हैं, 41 क्वेश्चन और रह गए हैं, आज खत्म करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए, पेपर सरिए, डेली एक पेपर करना है जिससे आपके सारे के सारे पेपरों का, सारे चैप्टर्स का रिवीजन होगा, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, तो पेपर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, डेली एक पेपर करना है बच्चों। डेली नहीं कर सकोगे तो दो दिन में एक पेपर करो, पेपर सॉल्व करिए, जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चनों से देखिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, आपको कौन सा पॉइंट याद नहीं रह रहा। आप कहानी की तरफ पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी जब पढ़ते हो कहानी की तरफ पढ़ते हो, नहीं, उसका एक एक पॉइंट समझना है, ठीक है। थैंक यू, सेम टू यू बच्चों, गरिमा थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।